हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आ गया हूँ आपके सामने फिर से एक इंडियन प्रोडक्ट मीन्स स्वदेशी प्रोडक्ट के साथ, जिसका कि नाम है बायोटेक। तो फ्रेंड्स, बायोटेक मेरे ख्याल से बहुत अधिक इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बायोटेक खुद की क्वालिटी ही इसकी पहचान है। बहुत ही कम टाइम में और बहुत सारे दमदार स्वदेशी और विदेशी प्रोडक्ट्स के टफ कंपटीशन के बाद भी बायोटेक ने अपनी खास जगह बना ली है। तो आइए जानते हैं बायोटेक के सक्सेस जर्नी के बारे में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ लोकल पे वोकल। फ्रेंड्स, बायोटेक ब्रांड्स की स्थापना 1992 में ही हो गई थी, जो कि ड्रीम कम ट्रू जैसा था एक यंग इंडियन गर्ल के लिए, जिसका कि नाम है विनीता जैन। विनीता जैन को बचपन से ही आयुर्वेद से बहुत ज़्यादा लगाव था, जिस वक्त वो हिमालयन रीजन के चाय बागानों में अपने फैमिली के साथ रहती थी। अपने आयुर्वेदा को इसी इंटरेस्ट को सीखने के लिए, बहुत अच्छे से जानने समझने के लिए उन्होंने पहले संस्कृत सीखा, ताकि वो सबसे पुराने एंशिएंट आयुर्वेदा को समझ सके जो कि संस्कृत में है। उसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गई। दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने स्विट्ज़रलैंड जाके बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी कंप्लीट की, और यहीं से उनके मन में स्टार्ट हो गया बायोटेक। उन्होंने अपने अंदर के आयुर्वेदिक इंटरेस्ट और जो स्किल उन्होंने सीखा बायोसाइंस को एक साथ मिलाकर एक बिल्कुल नए युग की ही रचना कर दी, जिसका कि नाम है ऑर्गेनिक ब्यूटी। आज विनीता जैन के टीम में बहुत सारे वेल क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और स्विस कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो कि बायोटेक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बिल्कुल नेचुरल मेडिसिन और पर्सनल हेल्थ केयर से पूरी बॉडी को निखारने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, बायोटेक सिर्फ कॉस्मेटिक ब्रांड्स नहीं, साथ ही पूरी बायोटेक्नोलॉजी है, और इसीलिए बायोटेक को कॉम्बिनेशन ऑफ 5000 ईयर्स आयुर्वेद एंड 21st सेंचुरी बायोसाइंस बोला जाता है। हिस्ट्री के बाद मैं सीधे आ जाता हूँ बायोटेक प्रोडक्ट्स पे, जिसे हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बायोटेक के मल्टीपल सेक्शंस हैं, जैसे कि स्किन, हेयर, बॉडी, नेचुरल मेकअप, बायोटेक रॉयल, मेंस, बॉडी, किड्स, फ्रेगनेंस, ब्यूटी, होटल, स्पा एट्सेट्रा। तो आज मैं मेन सेगमेंट पे बात करना चाहूँगा, रेस्ट के सेगमेंट्स पे भी मैं आगे ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो बायोटेक मेन सेगमेंट में सबसे पहले मैं परफ्यूम के सेक्शन पे आना चाहूँगा। तो इसका जो परफ्यूम आता है बायोटेक फ्रेश नेरोली परफ्यूम, ये पूरी तरीके से नेचुरल है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड फॉर फ्री, मीन्स आपके स्किन पे इसका कहीं से भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये 100% सेफ है। मार्केट में इजीली आपको इस परफ्यूम के 6-7 अलग अलग फ्रेगनेंसेस मिल जाएंगे। हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है बायोटेक प्लांटेन रिवाइटलाइजिंग सीरम। ये एक एंटी एजिंग फेस सीरम है, जो कि आपके फेस को पहले से भी यंगर, ब्राइटर और फेयर बनाता है, और ये सारे स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है, आइदर ऑयली, आइदर ड्राई और आइदर मल्टी टाइप। तो तीसरे नंबर पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो है बायोटेक ऑरेंज वाइटनिंग फेस लोशन। जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, ये क्रीम स्पेशली स्किन वाइटनिंग क्रीम, यानी कि फेयरनेस क्रीम है, ऐसे ऐसे कह लें कि गोरा बनाने वाली क्रीम है, आपके कॉम्प्लेक्शन को एक सेट लाइटर करती है ये क्रीम। ये भी 100% नेचुरल है और 100% सूटेबल है फॉर बोथ स्किन टाइप, ऑयली एंड ड्राई। हमारे फोर्थ नंबर पे जो प्रोडक्ट है उसका नाम है फ्रेंड्स बायो ऑरिस रूट फेस क्लींजर। ये एक फेस वॉश है, जो कि आपको अश्योर करता है 100% सोप फ्री होने का, और आपके फेस को अच्छी तरीके से क्लीन करने का, नरिश करने का और मॉइस्चराइज करने का। इसी तरह फिफ्थ नंबर पे जो प्रोडक्ट है वो है बायो पाल्मीरा शेविंग जेल। इस शेविंग जेल से आपको शेविंग में और भी आसानी होती है, क्योंकि इनका बहुत सारा झाग आपके बालों को मिलान कर देती है, साथ ही आपके स्किन को भी नरिश करती है। ये शेविंग जेल मार्केट में बहुत पॉपुलर है। और लास्ट में सिक्स नंबर पे आता है बायो वाइल्ड ग्रास। ये आफ्टर शेव लोशन है फ्रेंड्स, जो कि शेविंग के बाद चेहरे पे यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे, शेव करने के बाद हमें थोड़ी जलन होती है, जिसे हम शेविंग बम्प्स कहते हैं। इसके यूज़ करने के बाद
वो जलन नहीं होगी, साथ ही ये आपके स्किन को भी नरिश करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बायोटेक मेंस प्रोडक्ट। इसके अलग सेगमेंट्स लाइक हेयर, वुमेन, स्किन पे भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। इतने डिटेल्स में बायोटेक को बताने के पीछे मेरा एक ही सीधा साधा मोटो है, आप सबको ये जानना चाहिए फ्रेंड्स कि हमारे इंडियन ब्रांड्स में भी वो सारे क्वालिटी, वो सारे गुण मौजूद हैं जिस कारण हम फॉरेन प्रोडक्ट्स की ओर मूव करते हैं। इसीलिए मैं आज फिर से कहना चाहूँगा, स्वदेशी अपनाएं और देश को बचाएं, खुद आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।